हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोगों के साथ इजी चिकन स्नैक्स की रेसिपी शेयर करेंगे। ये रेसिपी बहुत ही डिलीशियस बनती है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इसे बनाने के लिए यहाँ पर हम 250 ग्राम श्रेडेड चिकन लेंगे। इसे हमने पहले बॉयल किया, उसके बाद इस तरह से इसे छोटे छोटे पीस में श्रेड कर लिया। और साथ ही इसमें हम दो मीडियम साइज के बॉयल पोटैटोज ऐड करेंगे और एक मीडियम साइज के यहाँ पर हम इसमें अनियन ऐड करेंगे। इसे भी फाइनली चॉप कर लिया और साथ ही कोरिएंडर लीव्स ऐड करेंगे। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंगली, साथ ही इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और भुना हुआ जीरा पाउडर ऐड करेंगे और साथ ही ब्लैक पेपर ऐड करेंगे और 2 टेबल स्पून इसमें मेयोनीज ऐड करेंगे और 1 टीस्पून चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे। और अब इन सबको मैश करते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें ग्रीन चिलीज भी ऐड कर सकते हैं। अब ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, तो इसे एक साइड अलग रखेंगे और एक अंडा लेंगे। इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे और साथ ही ब्लैक पेपर। अब इसे अच्छी तरह से विस्क कर लेंगे। अब हम इसका एक छोटा सा बॉल बनाएंगे और उसे एक बार अंडे में डिप करेंगे और फिर उसे ब्रेड क्रम से कोट कर देंगे। इस तरह से अच्छी तरह से इसे कोट कर लेंगे चारों तरफ से और इसी तरह से बाकी के भी बॉल बनाएंगे। हम यहाँ पर इसे राउंड शेप दे रहे हैं। अगर आपको कोई और शेप पसंद है तो आप उस तरह से भी इसे बना सकते हैं। अब इसी तरह से इसे एग में कोट करने के बाद ब्रेड क्रम में कोट कर देंगे। और इस तरह से बनाने के बाद आप चाहें तो इसे 1 वीक के लिए फ्रीज़र में स्टोर करके रख सकते हैं और जब आपका मन करे इसे फ्राई कर सकते हैं। तब ये सारे बॉल बन के रेडी हैं, तो हम इसे फ्राई करते हैं। एक साइड ऑयल गरम कर लेंगे और इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे। जब ये एक साइड से फ्राई हो जाएंगे तब हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। ये बहुत ही क्रिस्पी से बनके तैयार हो रहे हैं, तो हम इन्हें बनाकर फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं और बच्चों के लंच बॉक्स में भी इसे दे सकते हैं। तो इस तरह से मीडियम फ्लेम पर ये गोल्डन से फ्राई हो चुके हैं, तो हम इन्हें एक एब्जॉर्बेंट पेपर पर निकाल लेते हैं। बाकी के बॉल्स भी हम इसी ऑयल में फ्राई कर लेंगे और सेम प्रोसेस से इसे मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। तो अब ये सारे बॉल्स फ्राई हो चुके हैं, तो हम इन्हें निकाल लेते हैं और इसे सर्व करते हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी से बनके तैयार हुए हैं। यहाँ पर हम इसे टमाटो सॉस के साथ सर्व कर रहे हैं। आपका जो फेवरेट सॉस हो आप इसके साथ सर्व कीजिए और इन्जॉय करें। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई। अगर आपने हमारी रेसिपी को पसंद किया तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।